हेलो, तो एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारे सामने खड़े हैं बिल्कुल हमारे चाचा जी। तो आज का जो हम चीज बनाने जा रहे हैं वो है एक केक, जो कि मेरे पापा के लिए बनाया जा रहा है, चाचा बना रहे हैं। तो आज का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा चाचा दी केक। नमस्ते, आइए हम लोग केक बनाते हैं। पर केक में जो जरूरत है उस सामान को पहले आप देखेंगे। एक तो बर्तन होना चाहिए, अंडे होना चाहिए, शक्कर होना चाहिए, और ये मैदा और बेकिंग पाउडर, एसेंस और ये चॉकलेट और ऑयल, इतनी सामग्री केक बनाने में आवश्यकता होती है। आज हम चार अंडे का केक बनाएंगे और चार अंडे का केक कैसे बनाया जाता वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चार एक बर्तन लो और बर्तन में चार अंडे को फोड़ो। ये हमने तीन अंडे और ये चौथा, ये चार अंडे हमने इस पॉट में ले लिया। अब इस पॉट में लेने के पश्चात शुगर हम लेते हैं इस बर्तन के अनुसार और इसको अंडे में हम मिला देते हैं। अब मिला दिए, मिलाने के बाद अंडे और शुगर को तब तक इसको मिलाते रहते जब तक कि शक्कर घुल ना जाए। इसको धीरे धीरे फेंटते जाइए और पूरे के पूरे अंडे शक्कर के साथ मिल जाएंगे। तो हमको ऐसे दिखाई देगा। आप चाहें तो शक्कर को पाउडर बना लें और अच्छे रहेंगे, पर हमने बिना पाउडर बनाए इसमें डाल दिए हैं क्योंकि हम थोड़ा मेहनत करेंगे, हेल्दी है ना। शक्कर को ऐसे पीस के पाउडर बना के डालने से जल्दी मिल जाते हैं। बनाने में मैं अपने साथ और एक पर्सन को बुलाना चाहूँगा, तो वो भी इस केक बनाने में मेरी मदद करेगी और वो है मेरी हीरोइन। तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि चाचा जी की धर्म पत्नी स्टेज पर आने का करें थोड़ा सहयोग के लिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्योंकि हर मास्टर शेफ के साथ में एक साइड वाला रहना चाहिए, क्योंकि हर कार्य को सफलता साइड वाले ही अधिकतर मार्गदर्शन देके बनाते हैं करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये घुल गया होगा, और थोड़ा सा घोलेंगे क्योंकि थोड़ा दाने दाने दिखाई दे रहे हैं इस पे। आधा कटोरी हम तेल लेंगे और ये तेल हम फिर अंडे के मिश्रण मिलाएंगे।
केक बनाने में मजा भी आता है, खाने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि व्यक्ति इसको अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन, अलग अलग स्वाद और विभिन्न प्रकार की इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज करके बनाते हैं, जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है, जो हर खुशी के अवसर पर मुंह मीठा कर देता है और आनंद या खुशी को बढ़ा देता है। चॉकलेट का भी मिश्रण तैयार करना है। इसमें हो गया लगभग ये तैयार, अब इसमें बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। लगभग 1.5 चम्मच अपना इसको मिलाएंगे। तरीके से पूरे बॉल में तेल को लगाते हैं और थोड़ा सा उस पर मैदा भी डाल देते हैं हल्का हल्का, जिससे कि बॉल में चिपके ना। अब हम इसको बॉल में डालेंगे। हम इसको पूरा फैला देंगे ऐसे घुमा से पूरा। ओवन तरफ जाइए। अब हम इसको
दूध में ही गर्म किए हुए ओवन में डाल देंगे जो हमने पहले ही ओवन को प्रीहीट किए हैं और ओवन में हम डाल देंगे इसको इस तरीके से और इसको हम रोस्ट करके और जब हमारी केक पक जाएगी और बन जाएगा तो हमारा केक इस तरीके से हमको दिखाई देगा और ये केक जो हमने बना के रखा और ये इस तरीके से हमको ये केक दिखेगा जो दिखने में बड़ी स्वादिष्ट लग रहा है और खाने में शायद इसका स्वाद और ही कितने होगा। इस तरीके से हमारी ये केक तैयार हो गया आप सबके लिए। धन्यवाद।